अगर हमारा मालिक सही रहेगा या चरवाहा सही रहेगा तो छगरी या भेड़ बकरी जानवर वो खेत नहीं चरेगा। HEC बचाओ एकता मंच के द्वारा आज एक दिवसीय धरना राजभवन के पास दिया गया। यहाँ पर HEC के तमाम कर्मी धरना पर बैठ गए हैं। अपनी आवाज को बुलंद करते हुए जोरदार नारे भी लगा रहे हैं। इनका कहना है कि मजदूरों का बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। HEC का स्थिति खराब नहीं है। HEC एक निर्जीव चीज है, उसको सजीवता ऑफिसर का नेतृत्व और कामगारों का काम ये देता है। हम लोग का स्थिति खराब है, ऑफिसर का स्थिति खराब है और संचालक महोदय हमारा मुखिया ननिर सिंघन का नेतृत्व का कमजोरी से हुआ। अगर हमारा मालिक सही रहेगा या चरवाहा सही रहेगा तो छगरी या भेड़ बकरी जानवर वो खेत नहीं चरेगा। वो चरवाहा के निष्क्रियता से खेत चरता है। इसी तरह हमारा ननिल सिंघल साहब के नेतृत्व के अभाव में, उनके निष्क्रियता के अभाव में, समझ के अभाव में हमारे HEC का हालात को बद से बदतर करते जा रहा है। आज हम मजदूर अंतिम हार के छय और जय की लड़ाई के लिए अभी तक HEC के कोई भी मजदूर अपने बल पर नहीं आया। वो आया है तो आया भी होगा तो राजभवन नहीं आया होगा, वो हेडक्वार्टर में ही इनकलाब जिंदाबाद श्रमिक यूनियन किया होगा। मैं भी यूनियन में था, रिजाइन लिख दिया। अभी मैं आम मजदूर होके HEC में हम एक फीटर के तकनीकी ट्रेड में काम करता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र कांत महतो, IBM नंबर 82-84-7। वेतन हमारा 10 महीना का बकाया है, दोनों का बकाया और अधिकारियों का 13 महीना। अधिकारी साथी लोग भी मुख्यालय में 25वें दिन तक वो लोग डटे हुए हैं और हम मजदूर भी एक आध घंटा हाय हुल्ला करते हैं, काम मांगते हैं और काम किए हुए का दाम मांगते हैं। तो जिससे मांगते हैं वो तो है नहीं, वो सुनता तो है नहीं। और कारखाना के अंदर तो आप लोग के जो हमारा दुख दर्द को बांटने वाला, समाज में परोसने वाले मीडिया साथी भी नहीं घुस पाते हैं। कहे कि वहाँ तो एक कार्ड चाहिए, तो कार्ड चाहिए तो हम लोग का एक जो कार्ड होता है पास जो है हम लोग का ये कार्ड दिया है भारत सरकार HEC सरकार, ये कार्ड तो आपके पास नहीं है। और ऐसे आपका यंत्र देख के तो गड़बड़ाएगा, कहेगा कि क्या क्या छाप देगा ये लोग और हमारा कमी को उजागर कर देगा और मोदी सरकार का भी उद्योग नीति का खुलासा हो जाएगा। मेक इंडिया और मेड इन इंडिया ये कहाँ तक सकारात्मक हो रहा है, ये तो हमारा मातृ उद्योग का रुख से ही और उनका सूझ से ही दिखाई दे रहा है। हम लोग का है कि जो बकाया वेतन है उसको भुगतान करें, काम किए उसका दाम दो, हमारा अस्थाई CMD हमको दुआने के HEC का मालिक एकदम होल टाइमर मालिक चाहिए जो हर समय में इसके सुख दुख और सुझाव और नेतृत्व दे सके। नेतृत्व सही होगा तो जरूर हमारा निष्कर्ष भी सही होगा, रिजल्ट भी सही होगा। तो हमारा नेतृत्व ही नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा। और हम चाहते हैं हम सब मजदूर कि हम तीसरा पीढ़ी HEC के वर्कर, हमारे दादा के बाद मेरे दादा जो हैं वो मजदूर थे, उसके बाद मेरे पिताजी HEC में ड्राइवर हुए, उसके बाद हम लोग के यहाँ जो तकनीकी शिक्षा हुआ, संस्थान खुला तो हम RTI अप्रेंटिस किए और फिटर ट्रेड में काम कर रहे हैं। आने वाला पीढ़ी सोचते हैं कि इंजीनियर बनेगा, इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने 32 गांव के रैयतों ने राष्ट्रीय हित के लिए HEC प्रतिष्ठान के लिए मातृ उद्योग के लिए नेहरू सरकार को अपना सब कुछ निशावर कर दिया। खेत खरियान नदी तालाब पोखर टंगरा टुंगरी बगीचा मसला हड़गरी पूजा स्थल सब दे दिया और वो बेघर हो गया है। अगर ये चले तो धन रहेगा तो कहीं पर आसियाना बना लेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।